हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेट लॉस जर्नी में सबसे ज़्यादा जो चीज़ इरिटेट करती है वो है बैली फैट। बहुत से लोगों को कंप्लेंट रहती है कि वेट तो कम हो रहा है बट बैली फैट लॉस नहीं होता, और इसे कम करने के लिए ना जाने हम कितनी एक्सरसाइजेस ट्राई करते हैं। सो आज इस वीडियो में हम जानेंगे सम रीजंस ऑफ बैली फैट एंड क्यों कम नहीं होता है एंड कैसे कम कर सकते हैं। तो स्टमक पे ज़्यादा फैट होने का फर्स्ट रीज़न है ओवर ईटिंग। ऑब्वियसली जब हम रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करेंगे तो वो फैट की फॉर्म में सबसे पहले हमारे पेट में ही स्टोर होती हैं। सेकेंड इज स्ट्रेस। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसका रिजल्ट बैली फैट। तो बड़े रीज़न तो छोड़िए, जब छोटी छोटी बातों को लेकर स्ट्रेस में रहेंगे तो उसका इफेक्ट बॉडी पे नज़र आएगा ही। तो ब्रेन में सारा दिन जो फाइट चलती रहती है उसे ख़त्म करें एंड रिलैक्स। अगर हम एब्स वर्कआउट प्रॉपरली करते हैं तो फिर फैट कम क्यों नहीं होता? क्योंकि एब्स के मसल्स स्मॉल मसल्स होते हैं, सिर्फ इनको टारगेट करने से बात नहीं बनेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टमक का फैट बहुत स्लोली और सबसे लास्ट में रिमूव होता है। उसके लिए हमें अपनी बॉडी के बड़े मसल्स को टारगेट करना पड़ेगा, जैसे कि लेग्स, चेस्ट एंड बैक। जब हम डेली इनको टारगेट करेंगे तो ओवरऑल बॉडी से फैट जाएगा। सेकेंड चीज़ है आपकी डाइट कैसी है। जितना आप क्लीन डाइट लाइक रॉ वेजिटेबल्स खाएंगे उतना ही आपकी बॉडी को फाइबर ज़्यादा मिलेगा, और यही फाइबर आपके स्टमक की सफाई कर देगा। एंड यस, कट सम शुगर एंड सॉल्ट फ्रॉम योर डाइट। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेडिकेशन। डाइट एंड एक्सरसाइज में 1 month की डेडिकेशन आपको रिजल्ट दिखा देगी। सो डू मोर स्क्वाट्स, पुशअप्स एंड बैक एक्सरसाइजेस एंड ईट हेल्दी टू रिमूव बैली फैट। सो हियर आर फ्यू एक्सरसाइजेस विच आई फॉलो टू टोन माई बैली, बट एंड बैक। वार्म अप के लिए 5 to 7 minutes स्किपिंग इज बेस्ट। बैली से फैट रिमूव करने के लिए सिर्फ बैली एक्सरसाइज करने के बजाय डेली अपने वर्कआउट में लेग्स पे जरूर काम करें। बैक और चेस्ट की तरह लेग्स हमारी बॉडी के बड़े मसल्स हैं, इनको एक्सरसाइज देने से बॉडी फैट जल्दी रिमूव होता है। के बाद 2 abs exercise और 1 exercise butt के लिए, यानी तीनों एक्सरसाइज को मिला के एक सेट बनता है। हर एक्सरसाइज के 3 sets विद 30 to 45 seconds ब्रेक। इस वीडियो में मैं एब्स के लिए कोई एडवांस एक्सरसाइज शेयर नहीं कर रही हूँ, बट दीज आर ऑल्सो अमेजिंग एक्सरसाइजेज। अगेन आई वॉन्ट टू क्लियर दैट आई एम नॉट प्रोफेशनल, बट येस आई एम अ फिटनेस लवर, और हमेशा मैं आपके साथ वही चीज़ें शेयर करती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं। तो ट्रस्ट मी, डेडिकेशन इज ओनली की टू अचीव योर गोल्स। कर्लअप्स लगाते वक्त प्रेशर आपकी नेक पे नहीं, आपके एब्स पे पड़ना चाहिए। बट फैट को शेड करने के लिए डंकी किक इज़ अ गुड एक्सरसाइज। इसमें बट को स्क्वीज करके लेग को स्ट्रेट वे लिफ्ट करना है, 15 repetitions विद ईच लेग। वाइपर्स आपके लोअर एब्डोमेन से फैट को रिमूव करता है, 25 to 30 repetitions इन ईच सेट। प्लैंक ट्विस्ट लव हैंडल से फैट रिमूव करने में हेल्प करता है। इसमें एब्स को स्ट्रेच करके रखें एंड ट्विस्ट एटलीस्ट 30 to 35 times। इसके भी 3 sets लगाने हैं।
केटल बेल सिटअप के लिए मैंने 5 kg की केटल बेल यूज़ की है। बिगनिंग में इस एक्सरसाइज को विदाउट केटल बेल भी किया जा सकता है। बट लिफ्ट ब्रिज के 30 रेपिटेशंस लगाएंगे इन ईच सेट। इसको लिफ्ट करते वक्त बट को स्क्वीज करना है, नीचे लाते वक्त ग्राउंड से पूरा टच करवाए बिना वापस लिफ्ट करेंगे। लास्ट में हम करेंगे 3 exercises टू रिमूव फैट फ्रॉम बैक। फर्स्ट एक्सरसाइज बेंड ओवर रो, देन रिवर्स फ्लाई एंड देन प्लैंक रो। हर एक्सरसाइज के 3 sets विद 15 repetitions। सो वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सपोर्ट बाय क्लिकिंग ऑन लाइक बटन एंड प्लीज़ शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब विद बेल बटन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।